नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विकांडा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नाम है मेरा विकांडा। पृथ्वी पर अनेक बलवान है, लेकिन मुझसे बढ़कर कोई नहीं। मेरे बाहुबल के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। मेरी आंखों को एक ही चीज़ दिखाई देती है, दौलत। सारी दुनिया को दौलत लूट कर रहूँगा मैं चला। अच्छा हाँ, मैं असल में कौन हूँ ये तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा। विकास नगर, ये नया हीरा अयोध्या के महाराज रामचंद्र के राज मुकुट पर लगा हुआ था। वाह, महाराज विकास मोहन ने अपने विशाल खजाने की प्रदर्शनी लगाई हुई है। बड़े बड़े सम्राट आश्चर्यचकित थे राजा विकास मोहन के खजाने के उन अमूल्य जवाहरातों को देख। ये दुर्लभ मोती भगवान विष्णु की माला का है, अद्वितीय है आपका खजाना विकास मोहन। खुशी से फूला ना समा रहा था राजा विकास मोहन ये तारीफें सुनकर। किंतु उसकी इस खुशी पर जबरदस्त गाज पड़ी। तब जबकि ये कर्णफुल है, ये महाराज रावण का कर्णफूल कहाँ गायब हो गया? उस चोरी ने हिला कर रख दिया विकास मोहन को। महल के एक विशेष कक्ष में सेनापति प्रवीण सिंह इतनी कड़ी सुरक्षा के रहते प्रदर्शनी स्थल से कर्णफूल कैसे गायब हो गया? महाराज, बड़े बड़े सम्राटों, महाराजाओं एवं विश्वस्त सैनिकों के अलावा प्रदर्शनी स्थल में कोई प्रवेश नहीं हुआ। वहाँ मौजूद प्रत्येक सैनिकों की जांच मैंने की, और देश विदेश के मेहमान राजाओं की तो जांच हम कर भी नहीं सकते। हाँ प्रवीण सिंह, वे लोग तो खुद हमारे निमंत्रण पर विकास नगर आए हैं। उनकी जांच करना तो उनकी तौहीन होगी। कोई भी हल ना निकल सका उस समस्या का। अगले दिन प्रदर्शनी स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। बावजूद उसके आज फिर चोरी हुई, और इस बार गायब हुई है रत्न जड़ित सोने की मियान। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बुलाया गया भोकाल सुतान एवं अति क्रूर को। आपने हमारी परेशानी सुनी महाबली भोकाल, अब बताओ हम क्या करें? अब प्रदर्शनी स्थल पर हम पहरा देंगे महाराज। अगली सुबह प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद थे तीनों जवाज। इन्हीं राजाओं में से कोई चोर होगा। मेरी तेज निगाहों के सामने से कोई चोर बचकर निकल जाए असंभव। आज कोई चोरी नहीं होगी, तीनों को पक्का विश्वास था। किंतु तभी गूंज उठे राजा विकास मोहन के हैरत भरे स्वर। चोरी हो गया, चोरी हो गया, आज तो सोने का पुतला ही चोरी हो गया। तीनों उस तरफ लपके, आज तुम्हारे रहते वो मानव कद का स्वर्ण पुतला ही गायब हो गया। असंभव, ऐसा कैसे हो गया महाराज? हमारी नजरें एक पल भी नहीं चुकी थी, और फिर सबके रहते चोर बृहदकाय पुतला ले कैसे गया? फिर पूरा प्रदर्शनी स्थल ढूंढ मारा गया, किंतु कहीं नहीं है वो पुतला। महाराज, कंस के मित्र हमारे पूर्वज राजा भीमसेन को खुद राजा कंस ने भेंट किया था। व्यथित हो उठे राजा विकास मोहन। हमें दुख इस बात का है कि कोई चोर हमारे रहते राजमहल में चोरी कर रहा है, तो राज्य का क्या होगा? महाराज, चोर जरूर कोई तिलस्मी एवं जादुई शक्तियों का धारक है। अगले दिन प्रदर्शनी बंद कर दी गई। प्रदर्शनी स्थल से सारा खजाना हटाकर सुरक्षित राजकोष में पहुंचा दिया गया। इत्मीनान की सांस ली राजा विकास मोहन ने। ये देश की अमूल्य धरोहर सुरक्षित रहे, यही बहुत है। किंतु उसी रात धत, ये मरा हुआ उल्लू कहाँ से आ पड़ा? उल्लू के पंजों से बंधा हुआ था एक संदेश। अरे, ये तो कोई संदेश है। भोकान ने वो संदेश पढ़कर सुनाया। राजा विकास मोहन, खजाना राजकोष में रखकर निश्चिंत मत होना। तेरा पूरा खजाना चुराने आया हूँ, और पूरा खजाना चुरा कर ले जाऊंगा बिकांडा। वो ऐसा कर सकता है। मुझे अपने खजाने के लिए कुछ करना होगा। महाराज, हम राजकोष पर पहरा देंगे, लेकिन वो फिर भी चोरी करने में सफल हो गया तो? नहीं, मुझे इसका कोई और ही इंतजाम करना होगा। चल पड़े राजा विकास मोहन महल के अंदर। राजकोष राजतांत्रिक टिल्लू के मंत्र बल से सुरक्षित करवाया महाराज विकास मोहन ने। राजतांत्रिक टिल्लू, हमें आपकी मंत्र शक्ति पर पूरा भरोसा है। महाराज,
अब आपके सिवाय राजकोष में कोई भी प्रवेश ना कर सकेगा, और कोई ऐसा दुष्प्रयास करेगा भी तो उसी वक्त भस्म हो जाएगा। राजतांत्रिक के कार्य से संतुष्ट होकर ही राजा विकास मोहन शयन कक्ष में जा सकें। अब राजकोष की तरफ से निश्चिंत हूँ मैं। शीघ्र ही गहरी निद्रा में डूबते चले गए राजा विकास मोहन। किंतु अगली सुबह महल में मच गई एक हैरतअंगेज खबर से हलचल। महाराज गायब हो गए हैं। महाराज महल में नहीं है, अपहरण हो गया है महाराज का। भोकाल चाचा कहाँ गए मेरे पिताश्री, ढूंढ कर लाओ उन्हें। हाँ बेटा, हम उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। तभी कक्ष के बाहर शोर गूंज उठा, बिकांडा बिकांडा बिकांडा। एक सैनिक झोंके के भांति से कक्ष में प्रवेश हुआ। क्या हुआ सैनिक? राजकोष में चोरी हो गई महाबली भोकाल। चोरी? कैसे, किसने की चोरी? चोर पकड़ा गया होगा? नहीं महाबली, चोर था विकांडा, अत्यंत बलशाली, गायब हो गया वो। नाम सुनकर हैरान हो उठे तीनों कक्ष से बाहर की ओर भागे। राजकोष तो तांत्रिक टिल्लू के मंत्रों से सुरक्षित था। फिर राजकोष का द्वार ज्यों को त्यों बंद था। महाराज विकास मोहन के अलावा भी कोई इसमें घुस सकता है क्या? भोकाल राजकोष के भीतर राजकोष की तरफ बढ़ा। देखना पड़ेगा तांत्रिक टिल्लू के मंत्र बल की शक्ति। उफ, ओ, तांत्रिक टिल्लू की मंत्र शक्ति ने झुलसा दिया उसका हाथ। पीछे हट गया वो। आश्चर्य है बिकांडा किसी तरह अंदर प्रवेश हो गया। तभी वहां पहुंच गया तांत्रिक टिल्लू। मेरी मंत्र शक्ति अटल है महाराज, के अलावा राजकोष में कोई भी दखल नहीं हो सकता। महाराज के अलावा राजकोष में कोई दाखिल नहीं हो सकता, खुद मैं भी नहीं। सिर घुमाकर रख दिया था इस पहेली ने सभी को। राजकोष में उसे घुसते एवं निकलते सभी सैनिकों ने देखा। उसके हाथ में थमे गोले में कैद जवाहरातों को भी देखा उन्होंने। और ये कहते हुए कि सुना कि वो कल फिर आएगा, कल हम होंगे यहाँ उसके मुकाबला करने के लिए। तीनों वीर जमे हुए थे। अगले दिन राजकोष के द्वार पर महाराज के अपहरण के बारे में भी पूछना है उससे। भयंकर हंसी के साथ प्रकट हुआ वो। विकांडा विकांडा नीचे उतरा। आ गया मैं आज फिर खजाना ले जाने को। विकांडा बढ़ा राजकोष के द्वार की ओर। भोकाल ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते सुतान एवं अति क्रूर को रोक लिया। रुको, पहले देखो ये क्या करता है। बड़े ही आराम से राजकोष का द्वार खोल भीतर प्रविष्ट होता चला गया वो। सारी दौलत समेट लूंगा मैं। ग्लोब में समाता चला गया राजकोष का खजाना। आश्चर्यचकित से देखते रह गए मैं निडर चोर को। उफ, तो इस तरह गायब करता था ये बड़ी से बड़ी चीजें। खजाने के बड़े हिस्से को गोले में भरकर पलटा विकांडा, किंतु द्वार पर खड़े हुए थे भोकाल सुतान एवं अति क्रूर। ओहो, तुम रोकोगे मुझे? हाँ। विकांडा के हाथ में प्रकट हुआ एक अद्भुत हथियार। टांडा से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे शरीरों को। टांडा से निकलती तेज चमक ने सुतान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उफ, ये किरणें मेरी आंखों पर हमला कर रही है। अतिक्रूर ने किया उस पर दतांग से वार। विकांडा, हमारे शरीर टुकड़े होने के लिए नहीं, टुकड़े करने के लिए बने हैं। किंतु अतिक्रूर को उछाल फेंका टांडा के सहारे विकांडा ने। टुकड़े नहीं, चटनी बनाऊंगा मैं तेरे शरीर को। महाबली बन गया भोकाल। भोकाल, महाबली भोकाल खड़ा था अब विकांडा की राह का रोड़ा बनकर। विकांडा, आज तो महल से बाहर कदम ना रख सकेगा, इस तलवार की शक्ति से अभी वाकिफ हो जाएगा तू। टांडा को लहराता हुआ बढ़ा विकांडा आगे। टांडा है ये टांडा तेरी लोहे की पत्ती इसके आगे नहीं टिक पाएगी। संभालियो इसे, अभी इस भोकाल को मार कर लेता हूं तुमसे। खजाने वाला गोला अतिक्रूर को पकड़ा कर वो आगे बढ़ा। जबरदस्त जंग के दर्शक बन गए सभी। टन टनाक, खूबसूरत तलवारबाजी करते भोकाल को एहसास हो रहा था टांडा की शक्ति का। वाकई गजब की शक्ति है इसके हथियार में। बिकांडा भी मान गया लोहा उसकी युद्ध कला का। बहुत संवरा हुआ योद्धा है ये बहुत संवरा हुआ योद्धा है ये। वार चला बिकांडा का। भीष्म दर्द की लहर दौड़ पड़ी भोकाल के जिस्म में। बिकांडा ने किया टांडा का अगला प्रहार।
पीड़ा की अधिकता से एक बार कांप ही उठा वो। विद्युत गति से तलवार घूमे उसकी साई, विकांडा के हाथ से टांडा निकलता चला गया और अगले ही पल तलवार आ लगी विकांडा की गर्दन से। वाह, असली योद्धा है, चाहता तो तेरी गर्दन इस वक्त तक उड़ा चुका होता, लेकिन अभी तुझसे बहुत कुछ जानना है। उफ, मैं जानने दूंगा तब ना, संसार का सबसे बलशाली आदमी हूँ मैं, मेरे बाहुबल के आगे टिक नहीं पाएगा तू। विकांडा के घूसे घन गरज से बरस पड़े भोकाल पर। धड़, शक्तिशाली विशाल हाथ भोकाल जैसे महाबली के होश ठिकाने लगा रहा था। उफ, ऐसे प्रलयंकारी मुष्टि प्रहार पहले कभी नहीं खाए। स्तंभ तक हिल गया उस प्रहार की तीव्रता से, अंधेरा सा छाने लगा भोकाल की आंखों के सामने। उफ, मेरे होश हवास मेरा साथ छोड़ रहे हैं। भोकाल, तुम ठीक तो हो मित्र? खड़े हो और साबित कर दिखाओ कि तुम ही महाबली हो, कह कहा गोज उठा विकांडा का। ऐसे नहीं उठ पाएगा अब ये, जाओ राजवैद्य को बुलाओ। तभी वहाँ गूंज उठी आवाज श्वेता की, चाचा भोकाल चाचा, हमें पता लगा कि हमारे पिताश्री का अपहरणकर्ता यहाँ आया है, उसे जाने ना देना चाचा। किंतु भोकाल की हालत देखकर ठिठक गई वो, किंतु उसे देख भोकाल के शरीर में हरकत हुई। क्या हुआ चाचा, आप लेटे क्यों हो, मारो इसे, देखो ये कैसा खड़ा हुआ हंस रहा है। वो उठ खड़ा हुआ, विकांडा की तरफ बढ़ा वो। ये क्या समझकर इतना हंस रहा है, महागुरु भोकाल की शक्ति अपराजय है, असीमित है। पंजे ने घोसे का रूप लिया और, तेरा हंसना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है शैतान। धम, तड़प गया विकांडा। अगले घोसे ने तो उछाल ही फेंका उसे, और अब तो वाकई जल्दी ना उठ पाएगा। खंबा तोड़ता हुआ उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। शाबाश चाचा, वाह भोकाल, भोकाल बेमिसाल। फिर विकांडा के बेहोश जिस्म को वहां से हटाकर कारागृह में कैद कर दिया गया। खजाने वाला गोला अति क्रूर के कक्ष में रखवा दिया गया, ये यहाँ सुरक्षित रहेगा शाही बाग में। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि वो राजकोष में घुस कैसे जाता था और उसने महाराज का अपहरण क्यों किया। उसके होश में आने पर सब मालूम पड़ जाएगा। तभी एक सुरीली आवाज ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी। सुनिए, और उसे देख ठगे से खड़े रह गए तीनों। खूबसूरती में जो परियों को मात कर रही थी, तीनों के ही मुख से एक साथ निकला, कौन हो तुम सुंदरी? नाम है मेरा पकोड़िया और प्यार से मुझे पिक्कू कहते हैं। कुंवारी हूँ, शादी करने आई हूँ, मैं करूँगा तुमसे शादी। नाम है मेरा सुतान, प्यार से शैतान कह सकती हो, नहीं मैं करूँगा इससे शादी। नाम है मेरा अति क्रूर, प्यार से ये मुझे अतिक कहेंगी। कितनी रूपवती है, अगर तुरीन को दिल ना दिया होता तो इसी से शादी करता। उसने भोकाल की तरफ देखा और बोली, और तुम महाबली भोकाल, मैं अपनी जीवन संगनी चुन चुका हूँ, तुम इन दोनों में से किसी से भी विवाह कर सकती हो। मैं फैसला कर चुका हूँ, इससे मैं ही शादी करूँगा। नहीं मित्र, शादी तो इससे मैं ही करूँगा, क्योंकि पहले मैंने ही कहा था। अजब दुविधा थी, दोनों ही कृत संकल्प लग रहे थे। मैं तुझसे ज़्यादा बलवान हूँ, ये मुझसे ही शादी करेगी, सूरत तो आईने में देख के आओ, मुझसे ना जीत पाओगे तुम। कौन किस पर हावी होगा, सुंदरी तुम मुझसे ही विवाह करोगी, मैं ही तुम्हारे योग्य वर हूँ, तुम मुझे ही वरोगी। मुकाबले के जोड़ीदार हैं दोनों, और मुकाबले का ही फैसला किया पिक्कू पकौड़िया ने। ठीक है, तुम दोनों के बीच प्रतियोगिता रखी जाएगी, जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा मैं उसी से शादी करूंगी। एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया उसने, क्या तुम दोनों में से कोई उस चट्टान को उठा सकता है? हाँ क्यों नहीं, आगे बढ़ा अति क्रूर और अगले ही पल चट्टान उसने उठा ली। ये देखो, मेरे लिए यह असंभव है, किंतु असंभव को संभव करने की विद्या मेरे पास है। सुतान का सम्मोहन चला और, वाह इसने तो चट्टान एक ही हाथ में उठा ली, नज़रों का धोखा था सब, असल में वो एक तरफ खड़ा था, ये तो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। सम्मोहन टूटा तो मैं जीता, अब पिक्कू मुझसे शादी करेगी? नहीं, भोकाल ने रोक लिया उसे, तुमने बेईमानी की है सुतान, तुमने सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया है, जीता अति क्रूर ही है। मित्र को धोखा दिया है तुमने, एक स्त्री को पाने के लिए इतना गिर गए तुम? शर्मिंदगी से नेत्र झुकते चले गए सुतान के।
अपनी गलती का एहसास हुआ उसे। मुझे माफ़ कर दो मित्र, वाकई मैंने नीच कार्य किया है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अंततः पिकू पकौड़िया ने अतिक्रूर का चयन किया, जल्दी हम भुजंग देश जाकर विवाह करेंगे, किंतु पहले महाराज विकास मोहन को ढूंढना है हमें। फिर पिकू पकौड़िया उन्हें अपने बारे में बताती चली गई। मैं सफदरगंज से आई हूँ, बचपन से ही चाहती कि विश्व के महाबलशाली से ही विवाह करूँगी। आपका नाम सुना तो विकास नगर के लिए चल पड़ी, आज आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। महारानी मोहिनी से मिलवाया उन्होंने पिकू पकौड़िया को। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर, अब तुम यहीं रहोगी मेरे पास राजमहल में। महाराज के आने के बाद तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से होगा। उधर बिकांडा अभी भी बेहोश पड़ा था और उस रात्रि को महल में फैलते चले गए उस धुएं ने सभी को गहरी निंद्रा में पहुंचा दिया। खजाने से भरा गोला उठाया उस साये ने और बेधड़क बाहर निकल गया। कारागृह में शिखंचों के सामने मौजूद था अब वो साया। जादुई धुएं ने सबको बेहोश कर दिया है, मेरा काम कितना सरल हो गया। साये ने जादुई भस्म निकाली और ये जादुई भस्म बिकांडा को दो पलों में होश में ला देगी। उड़ती चली गई भस्म शिखंजों के अंदर। भस्म की गंध नथुने से टकराते ही बिकांडा उठ बैठा। कहाँ है भोकाल, मैं उसका कत्ल कर दूंगा। अगले ही पल वो कारागिरी का मजबूत द्वार तोड़ उस साये के सामने खड़ा था। कौन है तू, भोकाल कहाँ है? मुझे भद्दा ने भेजा है तुझे आजाद कराने के लिए। ये लो जादुई गोला और ये बोरा तुम्हारे काम आएगा। बिकांडा को कुछ समझाकर साया एक तरफ चल दिया। भोकाल सुतान अतिक्रूर को सबक सिखाने का यही बढ़िया तरीका है। सुतान के कक्ष में पहुंचा बिकांडा। खजाने की तरह इसे भी इस गोले में कैद कर लूँगा। बोरे में से उसने एक और जादुई गोला निकाल लिया था। उसने मंत्र पढ़ा और सुतान का बेहोश जिस्म गोले में समाता चला गया। वो गोला उसने बोरे के हवाले किया और कक्ष से बाहर निकल चला। अतिक्रूर के कक्ष में पहुंचा बिकांडा। आओ महाबली, तुम भी समा जाओ इस जादुई गोले में। उसे भी बोरे में डाल वो चल पड़ा और पहुंचा महाबली भोकाल के कक्ष में। निसंदेह महावीर एवं महाबली हो तुम भोकाल, किंतु अब मैं तुम्हारा अपहरण कर ले जाऊंगा भद्दा के पास और वहीं मारूंगा तुम तीनों को। बोरे में कैद कर उन्हें बिकांडा महल के बाहर की ओर बढ़ चला। अगली सुबह महल में उनके गायब होने की खबर ने तूफान मचा दिया। महाबली भोकाल अतिक्रूर एवं सुदान को दुष्ट बिकांडा उठा कर ले गया है। अब क्या होगा, पहले महाराज गायब हुए और अब ये कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। उधर एक अनजान जगह होश में आ चुके थे तीनों महारथी। हैं, ये हम कहाँ आ गए? उनके इस सवाल का जवाब मिला कमरे में प्रवेश होती उन तीन आवाज़ों से। भद्दा, यानी तुमने पिकू पकौड़िया को ना भेजा होता। भद्दा, यानी तुमने पिकू पकौड़िया को ना भेजा होता तो मेरा आज़ाद होना मुश्किल हो जाता। पिकू पकौड़िया ने भी तो उन्हें खूब उल्लू बनाया। सब आपके दिमाग की उपस्थिति भद्दा। कमरे में प्रविष्ट हुए तीन शरीर, बिकांडा, भद्दा, पिकू पकौड़िया को मेहमानों का प्रणाम। दुष्टा, धोखेबाज, चंडालिनी पिकू पकौड़िया को इस रूप में देख तीनों के ही दिलों में नफरत की लहर दौड़ पड़े। बिकांडा, अब हमें देर नहीं करना, इन तीनों को मैं अभिमंत्रित कब्र में दफनाने जा रहा हूँ। फिर हमें सारी दुनिया की दौलत लूटने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। तीनों गोले कब्र में पहुँचा दिया बिकांडा ने। अब इस कब्र में दफन हो जाओगे पहलवानों। मिट्टी डालने शुरू की बिकांडा ने। जीते जागते लाश बनने जा रहे हो। भोकाल के दिलो दिमाग में उठी हुई थी आंधी। महाबली भोकाल, आपकी शक्ति की परीक्षा की घड़ी आ गई है। भोकाल आजाद होते ही एक क्षण की भी देर ना की महाबली भोकाल ने, तुम्हारे दुष्ट विचारों को पूरा ना होने दूंगा मैं, तुम्हारे दुष्ट अरमानों को नाकामयाब कर दूंगा मैं। बिकांडा ने दीवार पर टंगा भारी फरसा उठाया और उसे भयानक ढंग से लहराता हुआ वो भोकाल की तरफ बढ़ा। भोकाल, अब तुम शेर की माद में हो, यहाँ से बच के ना निकल सकोगे। शेर का शिकार शेर की माद में ही घुसकर करना सीखा है मैंने। बिकांडा की तरफ बढ़ते भोकाल को जकड़ लिया इस जाल ने। बस,
अब और नहीं भोकाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जाल में फंसे भोकाल ने बहुत कोशिश की आजाद होने की, किंतु व्यर्थ। विकांडा, अब तुम इसे अभिमंत्रित जादुई गोले में कैद कर लो। इस जाल में कैद ये दोबारा बाहर ना निकल पाएगा। जरूर, भोकाल को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि अब ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि एक बार वो गोले में कैद हुआ तो फिर वो बाहर ना आ सकेगा। उफ। बिकांडा के कदम निरंतर नज़दीक आ रहे थे, किसी भी क्षण कुछ भी हो जाने वाला था। तभी तभी गूंजा एक धमाका, धमाका। उस दूसरी मूर्ति को भी उछाल फेंका पीकू पकोड़िया ने, और इस बार टूट पड़ा सुतान वाला जादुई गोला। खनाक, ये क्या किया तूने? इन्हें क्यों आजाद कराया तूने? तेरा खेल खत्म करने के लिए उलट गया दिमाग भद्दा का। पीकू पकोड़िया के इस विद्रोही रूप को देख। वो शीघ्रता से बिकांडा की तरफ पलटा। जल्दी करो बिकांडा, इसे जल्दी कैद करो। बिकांडा पर उछाल फेंका सुतान ने खजाने से भरा गोला। गोलोई के टूटते ही खजाना परिवर्तित हो गया विशाल रूप में, और बिकांडा छुप गया खजाने के ढेर के नीचे, और भद्दा को पहुंचा दिया अति क्रूर ने दत्तांग के भरपूर वार से यमलोक। ले मर दौलत के भूखे भेड़िए। भद्दा के मरते ही आजाद हो गया भोकाल। धन्यवाद अति क्रूर। तभी खजाने के ढेर का सीना चीर कर बाहर निकला बिकांडा। हर भुकाल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भुकाल ने लगाई हुंकार, अब मेरी तलवार तेरा खून चाट कर ही वापस आएगी। तभी गूंज उठी आवाज पीकू पकोड़िया की, नहीं रुक जा भुकाल, बिकांडा ही राजा विकास मोहन है। हैरतअंगेज रहस्य दो उद्घाटन था वो, जिसने भुकाल के कदमों को जाम कर दिया। क्या या अलबिकांडा बदस्तूर भागता हुआ भुकाल पर वार कर बैठा। कचक, उफ। और इससे पहले कि वो दूसरा जानलेवा वार करता, चीख उठी पिक्कू पकोड़िया, अपनी तलवार से इसका कपाल फोड़ डालो, ये सामान्य हो जाएगा। भुकाल का हाथ तेजी से लहराया और खचाक खर टूट कर बिखर गया मजबूत चट्टान सा बिकांडा का कपाल, और टूट कर बिखरता चला गया विकास मोहन के शरीर के चारों तरफ चढ़ा फौलाद का मजबूत नकली शरीर बिकांडा का। तीव्र झटका सा लगा था राजा विकास मोहन के मस्तिष्क पर। है ये मैं कहाँ हूँ? तब भोकाल ने समझाई उन्हें सारी स्थिति। ओ, तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई और हमें कुछ मालूम भी ना पड़ा। तब पीकू पकोड़िया की तरफ मुड़े चारों, अब इस सारे चक्रव्यूह के पीछे छिपे रहस्य से तुम अवगत कराओगी। सफदरगंज से मुझे उठा लाया था ये शैतान भद्दा, बहुत ही लालची था। ये लोगों के घर चोरी किया करता था, उन्हें ठगने में मुझे जबरन सहायता लेता था ये। एक दिन इसे एक जादूगर मिल गया, इसने उसके जादू की मणि चुरा ली और खुद जादूगर बन बैठा। तभी महाराज विकास मोहन ने खजाने की प्रदर्शनी लगाई, एक राजा का रूप धरकर ये वहाँ पहुँच गया और जादुई गोले की मदद से एक एक दो चीज़ों को चुरा कर ले लाया। किंतु जल्द ही महाराज ने प्रदर्शनी बंद कर दी। तब इसने बिकांडा वाली योजना बनाई और महाराज का अपहरण करके उन्हें बिकांडा का रूप दे दिया। अब बिकांडा के रूप में महाराज अपनी स्मृति खो चुके थे, जो इसने सिखाया वही करने चल दिए। तब एक दिन तुम लोगों ने बिकांडा को बंदी बना लिया, तो इसने मुझे भेजा इन्हें आज़ाद करवाने के लिए, जो कि मैंने किया। आज़ाद होते ही ये तुम सबको बंदी बनाकर यहाँ ले आया, आगे तो तुम सब जानते ही हो। हाँ, किंतु अब तुम ये नहीं जानते कि तुमने अब हमारा साथ क्यों नहीं दिया। हाँ, किंतु अब हम ये नहीं जानते कि तुमने अब हमारा साथ क्यों दिया। ये प्रश्न सुनकर चुप रह गए पीकू पकोड़िया, और फिर कुछ क्षण बाद, क्योंकि मैं सचमुच अतीक से प्यार करने लगी थी। सच पीकू? अनिर्णय की स्थिति में खड़े रह गए सभी। तब बोले राजा विकास मोहन, पीकू पकोड़िया, हमने निर्णय किया है कि तुम हमारे साथ विकास नगर चलोगी और हम जल्द ही तुम दोनों का विवाह कर देंगे। खजाने समेत सभी ने कूच किया वहां से। विकास नगर में भव्य स्वागत हुआ उन सबका, पिताश्री स्वामी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, मुझे जो है आपकी मदद की ज़रूरत है, जो कि आप सुपर थैंक्स
और हमारे चैनल की सदस्यता ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको जितना बन पड़ता है पैसे से आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि $100 कंप्लीट करने के लिए मुझे अभी बहुत आप लोगों की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग आगे आओ और आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।